आजकल की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण से लोगों में कमर दर्द या फिर पीठ दर्द जैसी समस्या भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा तब होता है जब लोग गलत तरीके से बैठते हैं या फिर गलत तरीके से सोने के साथ। अक्सर लोगों में कई बार विटामिन डी की कमी होने के कारण से ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जिसके बाद लोगों को कमर दर्द होने की वजह से काफ़ी परेशान भी रहते हैं और कई बार तो लोग अस्पतालों के चक्कर भी काटते रहते हैं। अगर आपको भी कमर दर्द जैसी दिक्कत होती है तो आप योग करके भी अपने कमर दर्द जैसी दिक्कत को कम कर सकते हैं। योग के ऐसे कई आसन हैं जिन्हें करके आप अपनी पीठ या फिर कमर दर्द जैसी दिक्कत को धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसको लेकर हमने योग निलयम शोध संस्थान के योग ट्रेनर अमितेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने योग के ऐसे कई आसन बताए जिनको करके आप अपनी कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, कमर दर्द की वजह से पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। यानी कमर दर्द का जो मेनली होता है लोअर बैक पे कमर दर्द आजकल बहुत ज़्यादा है, उसी पर थोरेसिक यानी मिड बैक पे भी आपको कमर दर्द होता है। तो लोअर बैक पे मेनली आपको या तो आपके विटामिन्स की कमी से होता है, पहले आपको वो चेक करा लेना चाहिए। और अगर आपको किसी विटामिन वगैरह की कमी नहीं है, आपके बैठने की वजह से, उठने की वजह से, या गलत तरीके से सोने की वजह से, और आपको मोटा तकिया लगाने की वजह से, या बिल्कुल भी तकिया आपने लगाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द होता है। तो आपको मेनली क्या करना चाहिए, कुछ आसन इस तरीके के हैं जो आपके कमर दर्द को सही कर सकते हैं, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल और फिट बना सकते हैं। तो सबसे पहला आसन की हम बात करते हैं ताड़ासन। यानी ताड़ के एक वृक्ष के समान आपको स्ट्रेच करना होता है, जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है। आपको अपनी जगह पर खड़े हो जाना है, 2 से 3 इंच का फासला आपको अपने पैरों पर रखना है और धीरे से अपने हाथ दोनों सामने करने हैं। लॉक करेंगे अपनी फिंगर्स को, इनहेल सांस भरते हुए स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर, और 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड आपको जस्ट होल्ड करना है। पूरी तरह से आपकी हर एक मसल, हर एक ज्वाइंट ऊपर की ओर स्ट्रेच रहेगा और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है। ताड़ासन के बाद हम बात करते हैं कटी चक्रासन की। इस पर भी आपको अपने दोनों पैरों को शोल्डर रीजन पर फैलाना है, दोनों हाथ सामने की ओर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है आपको राइट साइड, और उसके बाद सांस भरते हुए सेंटर, और उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं और इसको आप 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड होल्ड भी कर सकते हैं। तो कटी चक्रासन के बाद तीसरा आसन हम बात करते हैं अर्धचक्रासन की। अर्धचक्रासन के लिए भी आपको अपने दोनों पैर पर शोल्डर रीजन गैप रखना है, धीरे से अपनी दोनों हाथों को, हथेलियों को आपको अपने कमर पर रखना है पीछे से, और सपोर्ट देना है अपनी लोअर बैक को, और धीरे से सांस लेंगे। सांस लेते हुए आपको पीछे की ओर स्ट्रेच करना है, अपनी गर्दन को पीछे की ओर छोड़ना है, कमर को भी पीछे की ओर छोड़ना है। बस यहीं पर आपको कुछ सेकंड विश्राम करना है या होल्ड करना है। आंखें बंद ना करें पीछे की ओर जाते हुए, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं, और उसके बाद आप फिर से फॉरवर्ड यानी विश्राम कर सकते हैं। अर्धचक्रासन के बाद हम बात करते हैं वक्रासन की। वक्रासन जैसे वक्र यानी ट्विस्ट होना, तो वक्र आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दंडासन पर बैठ जाना है, दोनों पैर सीधे करते हुए, कमर आपकी सीधी रहे। धीरे से आपको अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए अपने पंजे को अपने बाएं घुटने के बगल पे रखना है, और अपने बाएं हथेली को उठाते हुए अपने दाएं घुटने के बगल से फोल्ड करते हुए अपनी पैर के पंजे को पकड़ेंगे, दाहिने पंजे को, और दायां हाथ आपके पीछे रहेगा और पीछे की ओर आपको ट्विस्ट करना है, जिससे स्पाइन पर एक अच्छा खासा ट्विस्ट होता है और स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। इसी को आप बाईं ओर भी कर सकते हैं। और वक्रासन के बाद एक और आसन बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं सेतुबंधासन, यानी ब्रिज पोज भी इसे कहा जाता है। सेतुबंधासन करने के लिए आपको आराम से अपने पीठ के बल लेट जाना है, इसके बाद आपको धीरे से अपने घुटनों को फोल्ड करना है। घुटनों को फोल्ड करते हुए आप अपनी एंकल्स को पकड़ सकते हैं, अपनी एड़ियों को पकड़ें, और धीरे से सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाएं, यानी अपनी पूरी बैक, हिप और बैक को ऊपर की ओर उठाना है, और इसको होल्ड करना है। इसको आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके फिर से विश्राम पर ला सकते हैं, और जिससे एंकल होल्ड नहीं हो पाते, जिसके हाथ अपने एड़ियों तक नहीं पहुंच पाते, वो अपने पैरों को सीधे करेगा, हाथों से अपनी कमर का सपोर्ट देते हुए इस ब्रिज पोज को वो भी कर सकता है। अगर आप भी रोजाना इन योग के अभ्यासों को करते हैं तो आप अपनी कमर दर्द या फिर पीठ दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।